करनाल के राजीव गांधी विद्युत केंद्र सेक्टर 12 में रिटायर कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि संसद में जो रिटायर कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का बिल पास होने जा रहा है उसमें बिजली विभाग के कर्मचारी, नगरपालिका विभाग के कर्मचारी शामिल नहीं किए गए हैं, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह सभी विधायकों व सांसदों के निवास पर जाकर ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में सरकार को रिटायर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भी आकर धरने का समर्थन दिया और कहा कि पूरा सर्व कर्मचारी संघ इनकी मांगों के पक्ष में है और इनके साथ संघर्ष के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। मैं तुलीचंद रिटायर कर्मचारी संघ का डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूं और हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे साथी 1/16 से पहले जो रिटायर्ड हुए थे पर्टिकुलर, उनकी हरियाणा सरकार ने 10/18 को नोटिफिकेशन दे दी थी पेंशन अनाउंसमेंट के लिए, भाई रिवाइज उनकी पेंशन करनी बढ़ानी थी। लेकिन हमारे एक बैंक में ऐसे एक बिजली बोर्ड है, एक नगर निगम है, इन्होंने अभी तक ऑर्डर इशू नहीं किए, उसके रोष में ही हमने ये धरना दिया है ताकि हमारे जो साथी बिजली बोर्ड से रिटायर हुए हैं 1/16 से पहले, उनकी भी पेंशन स्टेट गवर्नमेंट के पैटर्न के ऊपर ही रिवाइज की जाए। हाँ जी, क्या मांग करते हैं? ये हरियाणा सरकार जो रिटायर्ड कर्मचारियों की जो मांगे माननी थी, जैसे 65, 70, 75, 80 के 5, 10, 20% के बारे में जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा माननी थी और वित्त मंत्री ने उसे लागू नहीं किया, और उसके एवज में अगस्त में वित्त मंत्री के आवास पर धरना देंगे। आज किस लिए इकट्ठे हुए? आज ये हमारे जो बिजली विभाग है और नगर निगम विभाग है, इनके कर्मचारियों को 1/6 के जो पेंशन रिवाइज के बेनिफिट नहीं दिए गए उसके विरोध में धरना दिया गया। हाँ जी, सर्व कर्मचारी संघ का क्या समर्थन है? सर्व कर्मचारी संघ पूर्ण रूप से रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की मांगों का समर्थन करता है और सरकार से अनुरोध करता है कि जिस राज्य में, जिस सरकार में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन परेशान हों अपनी मांगों को लेकर, उस सरकार का जो ना सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये मांग करते हैं कि इन बुजुर्ग हमारे कर्मचारी साथी रिटायर्ड कर्मचारी, इनका मान सम्मान सरकार बहाल करते हुए जो रिटायर्ड कर्मचारियों को जो बेनिफिट दिए गए हैं वो बिजली बोर्ड निगम और बोर्डों में सरकार उसको लागू करे। और हरियाणा के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट भी ऐसे बचे हुए हैं जिसमें बहुत से बुजुर्गों को ये पता नहीं है कि मेरी पेंशन बढ़ेगी, 1/16 से उसमें कुछ संशोधन होना है। बहुत